सोनीपत के खरखौदा बहादुरगढ़ मार्ग पर सवारियों से भरी दो बसों की आमने सामने की टक्कर हो गई और इस हादसे में चालक सहित 60 से अधिक सवारी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें करीब 40 महिलाएं और 10 बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें आनंद फानंद में उपचार के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्राइवेट बसों का आपस में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें अभी तो पूरा फिगर बताने लेकिन 40-45 के करीब बता रहे हैं इंजर्ड है, जिसमें कुछ 5-6 सीरियस है, जिनको हमने दूसरे हॉस्पिटलों में शिफ्ट करवा दिया एम्बुलेंस से और डॉक्टरों से बात चल रही है, अच्छा ट्रीटमेंट करवा के और इनको ठीक करवाने का प्रयास करेंगे। 3:30 के अराउंड में बस में जैसे एक पेशेंट आया और उसने कहा कि मतलब चोट लगी है और वो बस का ड्राइवर था, उनके थ्रू मुझे पता चला कि दो बसों का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें काफ़ी ज़्यादा मास कैजुअल्टी हुई है। हमने यहाँ से एम्बुलेंस भेजी और स्कूल बस के थ्रू भी आए हैं, मेरे पास में अराउंड 40 या 45 जो हैं लोग आए हैं जो इंजर्ड थे, उसमें कई लोग सीवियरली इंजर्ड थे जिनकी फ्रैक्चर्स भी थे, उनको इमिडिएटली PGI के लिए रेफर कर दिया गया है